अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा सा मैनीक्योर। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों की कितनी गंदी हालत हो रही है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपने हाथों को बिल्कुल भी केयर करना छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों की स्किन कितनी रफ़ और कितनी डल हो रही है और नेल्स भी काफ़ी फीके पड़ गए थे। टाइम ना मिलने की वजह से हाथों पे बिल्कुल भी तवज्जो ना देने पर इस तरह के हाथ हो जाते हैं। और बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जो कि जॉब करती हैं या कॉलेज जाती हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता और वो भी मेरी तरह कभी कभी ही अपने हाथों को मुंह लगाती होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों की क्या कंडीशन है अभी। तो आज मैंने सोचा कि छुट्टी है और मैं करती हूँ अपने हाथों का मैनीक्योर, तो साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों में से भी जिसके हाथों की इस तरह की कंडीशन है या काफ़ी टाइम से आप घर पर अच्छा सा मैनीक्योर करना चाहते हो, या वो बहनें जिनकी शादी होने वाली है वो घर पे इतना अच्छा सा मैनीक्योर कैसे कर सकती हैं। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इसके साथ साथ अपना पेडीक्योर भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो जो है वो पेडीक्योर के हवाले से होने वाली है। सबसे पहले जी, हमें एज यू नो के मैनीक्योर करने के लिए चाहिए होता है पानी। गर्म पानी करने के लिए हमने एक पैन लिया है और उसमें मैं शामिल करूंगी 3 से 4 स्लाइस लेमन के, और इसको इसी तरह गरम कर लूंगी ताकि हमारे लेमन का असर भी इसके अंदर आ जाए। देन हम इसको किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और इसमें एक अदद जो है मैं फिटकरी का एक टुकड़ा शामिल करूंगी। आप चाहो फिटकरी पाउडर भी शामिल कर सकते हो। ये मैंने इसलिए ऐड की है, इससे हाथों की बहुत ही अच्छी सी सफाई हो जाती है और जिनके हाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा पसीना आता है ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है और हाथों के पसीने को कंट्रोल करेगा और इसके अलावा भी हाथों के जरासीम वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशेंट है। नेक्स्ट मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर हाइड्रोपरोक्साइड। ये नॉर्मली तो ज़ख्म वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है और हर एक के घर में बासानी होता है, 12 से भी 40 रुपए की बोतल मिल जाती है आसानी। तो आप जो है इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करोगे हाइड्रोपरोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड बेसिकली ज़ख़म वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ही सस्ती ये बोतल आपको मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर से। ये हम ऐड करने से हाथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, स्किन डीपली क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है शैम्पू। आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी शैम्पू घर में रखा हो इसमें ऐड कर सकते हो, या हैंड वॉश भी ऐड किया जा सकता है या बॉडी वॉश भी ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम 2 चुटकी शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छे से हाथ साफ़ हो जाएंगे हमारे, क्लीन हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से और सारी डर्ट जो है वो अंदर से निकल जाती है स्किन से। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हाथों को इसमें 10 मिनट के लिए डिप करके रख लेना है। तो 10 मिनट बाद मैंने अपने हाथों को पानी से निकाल लेना है। आप देख सकते हो हाथों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, लाइक हम अपने नेल्स को अच्छी तरह से क्यूटिकल्स वगैरह को साफ़ कर लेते हैं। आप जैसे भी अपने हाथों को साफ़ करते हो, आप अपने नेल्स को साफ़ करते हो, शेप देते हो, आप वैसे ही कर सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी फायर की मदद से अपने नाखूनों को शेप दूंगी और जो भी मेल कुचैल होगी हम वो साफ़ कर लेंगे। देन जो है आप इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने नेल्स को चाहो तो शेप भी दे सकते हो। मेरे तो है ही पितू पितू से नेल्स, तो क्या मैं इनको शेप दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नेल्स की कोई केयर वगैरह नहीं की, हाथों की केयर नहीं की, तो इस वजह से ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा नाखून भी टूटना शुरू हो गए थे। अगर आप अपने हाथों की केयर करना छोड़ देते हो तो जाहिर सी बात है फिर नेल्स भी बहुत ही ज़्यादा बेजान हो जाते हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, जिसकी वजह से नेल्स की ग्रोथ भी रुकी हुई थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्यूटिकल रिमूवर से अपने नेल्स के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है उसको रिमूव करूँगी, जिसकी वजह से हमारे नाखूनों की जो नेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस टूल को बहुत ही एहतियात से यूज़ करना है आपने, ताकि आपकी स्किन किसी भी तरह से डैमेज ना हो। ये करने के बाद जो है वो जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन थी मैंने रिमूव कर ली है और अब मैं अपने नेल्स को थोड़ी सी शेप देना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ अपनी नेल्स को, आप भी अपनी पसंद की शेप दे सकते हो जो भी आप देना चाहो। और देन मैं अपने हाथों को दोबारा से डिप कर लूँगी। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पेडीक्योर के हवाले से होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीमू हमने डाला था वो हमने इसके अंदर ही स्क्वीज कर लिया और उससे हम अपने नेल्स को साफ़ करेंगे। नाखूनों की पिलाहट इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और नाखून बहुत ही अच्छे से क्लीन अप हो जाएंगे, इससे आपके वाइट नेल्स हो जाएंगे। और इसके बाद हम दूसरा लेमन जो है उसको भी नेल्स पर रगड़ेंगे और थोड़ा सा रस जो है लेमन का इसके अंदर रहने देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे।
बेकिंग सोडा डाल के हम अपने हाथों पे अच्छा सा स्क्रब करेंगे, दोनों हाथों पे मैं ऐसे ही कर रही हूँ। यार बिलीव मी, ये वाला जो टिप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लिमो पे जो है बेकिंग सोडा डाल के स्क्रब करोगे, आपका कोई सा भी डार्क पार्ट होता है, चाहे वो नेकल्स हो, जॉइंट्स हो, हाथों की उंगलियाँ वगैरह के जॉइंट्स काले होते हैं, तो ये उसको भी रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करना। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जॉइंट्स पे भी इसको रगड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे जॉइंट्स काफ़ी डार्क हो गए थे। सो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। आपके किसी भी बॉडी पार्ट में जहाँ पिगमेंटेशन हो, आप ये वाला प्रोसेस ज़रूर करना। आपको काफ़ी, एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, डार्क पर आपका लाइट होने लग जाएगा। ये करने के बाद जी मैंने अपने हैंड को दोबारा से करना है वॉश, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से हाथों को डिप करके छोड़ देना है इस पानी में। इसके बाद मैं अपने हाथों को अच्छी तरह से कर लूँगी ड्राई, और हाथों को खुश करना है ताकि हम अपने हाथों को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकें। एक्सफोलिएटर आप कोई सा भी मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्क्रब होम मेड यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे चारकोल का होम मेड स्क्रब मौजूद है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में ही आपको बनाना सिखाया था, और आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, स्किन की बिल्कुल खिल जाती है आपकी, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी चारकोल वाली, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो ये वाला, अगर स्क्रब बनाना चाहो, वरना अदरवाइज आप कोई सा भी स्क्रब बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो, या मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला स्क्रब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियंट है, टाइम की सेविंग के लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह पेडिक्योर वाली वीडियो में मैं आपके साथ न्यू स्क्रब और एक मास्क, न्यू अलग मास्क भी शेयर करूँगी। आप चाहो तो वो भी हैंड एंड फीट दोनों पे यूज़ कर सकोगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इस चारकोल की एक बुरी बात यह है कि आपको वक्ती तौर पर आपके नेल्स काले नजर आएंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, जब हम अगला प्रोसीजर करेंगे तो नेल्स भी आपके क्लीन अप हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये वाला स्क्रब काफ़ी थिक है, और इसके जो है वो स्क्रबिंग काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए हाथों को थोड़ा सा गीला करके आपने इसको यूज़ करना है, और फुल बॉडी पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं, और चारकोल एज यू नो कि स्किन के लिए कितना बेनिफिशियंट है। सो मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से कर लेना इस तरह से स्क्रब, और देन अब मैं अपने हाथों का वॉश कर रही हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकूँ। नेल्स थोड़े से काले हो जाते हैं इससे, और उसको हम साफ कर लेंगे किसी भी टूथब्रश से, या किसी भी ब्रश को लेकर आप अपने नेल्स पर रगड़ोगे तो आपके नेल्स साफ हो जाएंगे। अगर आप अपने नेल्स को बिल्कुल और भी ज़्यादा क्लीन अप करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है कि इस ब्रश के ऊपर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लोगे तो और भी ज़्यादा नेल्स चमक उठेंगे आपके, तो आप ये वाला प्रोसीजर भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो ब्रश से साफ़ करूँगी, और आप देख सकते हैं कि नेल्स बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और हाथों की स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी आपको इस स्टेप को करने के बाद। यहाँ तक अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो है हाथों की, और हाथों की रंगत जो है वो पहले से काफ़ी बेटर हो रही है। और अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि ये मैं प्री ब्राइडल्स के लिए बता रही हूँ, तो इसमें हम ब्लीच भी ऐड करेंगे। आप अपने हाथों को भी ब्लीच किया करें, इससे आपके हाथ काफ़ी अच्छे से जो है वो ब्राइटन अप हो जाते हैं, कालापन जो है वो हाथों से रिमूव हो जाता है। और पॉलिश में लाजमी हाथों पे ब्लीच यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पे कोई बहुत महंगी शहंगी ब्लीच यूज़ नहीं कर रही, जो मैं नॉर्मली अपने फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ वही ब्लीच यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये है जी गोल्डन पर्ल का ये वाला सैशे, जो अभी न्यूली ही लॉन्च हुआ है शायद, लेकिन मैंने इसको अभी, ये सिर्फ 30 रुपये का है, लेकिन मैंने इसको फेस पे भी यूज़ किया है और हाथों पे भी, इसके रिजल्ट्स बहुत औसम है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और बिल्कुल भी हार्श नहीं होती, ये फेस के लिए बहुत ही अच्छी है, और स्किन काफ़ी इससे ब्राइट हो जाती, तो मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर पूरा क्लिप शूट किया था ब्लीच बनाने का, लेकिन वो क्लिप डिलीट हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली जैसे ब्लीच बनती है, हम पूरा क्रीम का साशे डाल रहे हैं, और इसमें हमने एक्सीलेटर जो है वो हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि हाथों और पाँव की स्किन हार्ड होती है फेस के मुकाबले में। तो यहाँ पे मैंने एक्सीलेटर 1 टेबल स्पून डाला था, और ब्लीच को हमने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया था क्रीम का पूरा साशे डाल के। अब हम ये ब्लीच अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और उसके बाद ठंडे पानी से अपने हाथों को अपने वॉश करना है। ब्लीच जो है मैं साथ में बाजू पे भी यूज़ करूंगी, और मास्क भी, ताकि इवन टून दिखे, बाजू और हाथ का कलर अलग अलग नहीं होना चाहिए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं ब्लीच को, अब हम अपने हाथों को ठंडे पानी से वॉश करेंगे। हाथों को मैंने कर लिया वॉश, और आप देख सकते हो अभी मैंने अपने हाथ ड्राई भी नहीं किए, और कितना विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, और पहले के मुकाबले में हाथ काफ़ी ब्राइट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं अपने हाथों को ड्राई कर लूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे एक अच्छा सा हैंड मास्क। आप चाहो तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट वाला भी, मैं होममेड को ज़्यादा प्रिफेयर करती हूँ, सो मैं यहाँ पर होममेड मास्क बनाऊँगी।
तो जी हैंड मास्क बनाने के लेंगे एक छोटा सा बॉल और इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पे मैं अपने हाथ देख देख के खुश हो रही थी, खैर मैंने यहाँ पे शामिल किया है इसमें मैदा, और 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे राइस फ्लोर। एज यू नो के मैदा और राइस फ्लोर दोनों ही हाथों को ब्राइट करने में, स्किन को ब्राइट करने में बहुत हेल्प करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं हनी, यानी कि शहद, जो कि स्किन को ब्राइटन अप करता है, ग्लो पैदा करता है स्किन में। और इसके बाद हम इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट जो शामिल कर रहे हैं वो है मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी इतनी ही शामिल करेंगे कि ये एक मास्क की कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हैंड वाइटनिंग मास्क तैयार हो गया। अब हम इसको अपने हाथों पे अप्लाई कर लेंगे। मैं इसको अपने हाथों की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो किसी ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने अपने हाथों पे हल्का हल्का सा मसाज करते हुए अप्लाई करना है और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ये एक तरह का मसाज क्रीम का भी काम करेगा और मास्क का भी काम करेगा। आप इसको अपने बाजू पे भी अप्लाई करेंगे और हाथों पे भी सेम जैसे हमने ब्लीच को अप्लाई किया था, ताकि इवन टोन दिखे, हाथों और बाजू का कलर एक जैसा हो। इसको अप्लाई करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हाथों को अच्छे से मसाज करते हुए हम इसको रिमूव कर देंगे अपने हाथों से ठंडे पानी के साथ। नाउ इफ़ यू कैन सी द रिजल्ट्स, अब मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है आफ्टर द मास्क। आप अब मेरे हाथों का रिजल्ट देख सकते हैं। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर हैंड्स। इतने सारे प्रोसीजर के बाद हाथों को बिल्कुल भी मॉइस्चराइज किए बगैर नहीं छोड़ना। आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं मार्केट का भी, और अगर आप चाहो तो DIY मॉइस्चराइजर भी बना सकते हो। थोड़ी सी दूध की बलाई, इसमें थोड़े से ड्रॉप लीमू के रस के, और आपने ग्लिसरीन मिला के अपने हाथों पर लगाना है। उसके बाद आपके हाथ और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्मल सा मार्केट का एक मॉइस्चराइजर है फिलहाल टाइम सेविंग के लिए, और वीडियो को मज़ीद लेंदी ना करने के लिए मैं यहाँ पे मार्केट वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और बलाई वाला जो मैंने आपको बताया वो भी यूज़ करोगे तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियंट है, उससे स्किन और निखर जाती है आपकी। और अब हाथ मेरे मॉइस्चराइज हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो अपने हाथों पर अच्छा सा नेल पेंट लगा सकते हो अपने फेवरेट कलर का, मैं जैसा कि लगा रही हूँ, और अगर चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डिफरेंस आपको दिख रहे होंगे। और मैनीक्योर, पेडीक्योर या फिर जो फेशियल होता है, इसके रिजल्ट नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो मैंने नेक्स्ट डे के भी क्लिप शेयर किए हैं आपके साथ वीडियो के एंड में, तो आप वो भी वॉच करके आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैनीक्योर वाकई ही सही मायनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियंट होने वाला है, अगर आप इसको एक बार घर पर ट्राई कर लोगे तो। सो हेयर इज़ द रिजल्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी एफर्ट या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।